सो गाइस, फिर से एक नई वीडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर थंबनेल क्या होता है और अपनी यूट्यूब वीडियो में आप थंबनेल किस तरह से लगाएंगे यानी सेट कर पाएंगे। देखिए दोस्त, इस वीडियो को मैं खास तौर से नए यूट्यूबर्स के लिए बना रहा हूँ, इसलिए कि देखिए जो जो बंदे नए यूट्यूबर्स रहते हैं, जब वो न्यू चैनल क्रिएट करता है तो उनको ये पता नहीं रहता है कि थंबनेल क्या होता है, और जब उनको थंबनेल पता भी चल जाता है तो उनको अपने वीडियो में सेट करने के लिए पता नहीं रहता है। इसलिए कि देखिए दोस्त कि बहुत सारे लोग मुझे पूछता है कि मुनीर भाई थंबनेल क्या होता है, और बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि अपने वीडियो में आप थंबनेल किस तरह से लगाते हैं यानी अपने वीडियो में थंबनेल किस तरह से सेट करते हैं। तो दोस्त, अगर आप एक नए यूट्यूबर है और अगर आपको थंबनेल अपने वीडियो के अंदर लगाना नहीं आता है और अगर आपको नहीं पता है कि थंबनेल क्या चीज होता है, तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सारे कुछ इस वीडियो के अंदर पता चल जाने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसलिए कि आपको इस चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। और दोस्त, अगर आप मेरे से कुछ भी इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, जो भी आपको बात करना हो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, टेक्निकल मुनीर 94 यूजर आईडी है, आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्त, आप अपने यूट्यूब वीडियो में दो तरीके से थंबनेल लगा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आप क्रोम ब्राउजर से वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां पे जो है आप अपलोड करने के ही टाइम में थंबनेल लगा सकते हैं। दोस्त, अगर आपको क्रोम ब्राउजर से वीडियो अपलोड करने के लिए पता नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो उस लिंक पे क्लिक करके आप सीख जाइए कि क्रोम ब्राउजर से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किस तरह से कर सकते हैं। और देखिए दोस्त, अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब ऐप से ही वीडियो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आप किस तरह से थंबनेल सेट करेंगे, तो ये जानने के लिए आप मेरे साथ में मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। सो गाइस, अपने वीडियो के अंदर थंबनेल लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को जो है ना अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में दोस्त, यहाँ पे देखिए प्लस वाला ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपलोड अ वीडियो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्त आपके मोबाइल में जितना भी वीडियो होगा वो सारे वीडियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसी वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्त यहाँ पे देखिए आपका वीडियो आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद में यहाँ पे दोस्त आपको इस पर क्लिक करना है, ये जो अनलिस्टेड लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने में चार ऑप्शन है, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट, शेड्यूल, तो आपको अनलिस्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ से बैक आ जाना है। अनलिस्टेड पे क्लिक करने के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी देखिए आपने थंबनेल सेट नहीं किया है। अगर आप पब्लिक पे क्लिक करेंगे ना, अगर इस पर क्लिक करके अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो सबके पास में पहुँच जाएगा और जो है थंबनेल भी सेट नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अनलिस्टेड पे क्लिक करके फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड वीडियो, तो आप अपलोड वीडियो पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला वीडियो जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो अब जो है आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक आ जाना है। ठीक है, समझो आपका वीडियो अपलोड हो रहा है तो यहाँ से देखिए मैं बैक आ जाता हूँ। अब आपको एक ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि यूट्यूब का ही ऐप है, उसका नाम है YT स्टूडियो, इसको लोग यूट्यूब स्टूडियो भी बोलते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के बाद में आप सबसे पहले ओपन कर लेंगे YT स्टूडियो को। ओपन करने के बाद में दोस्त आपके सामने में इस तरह से इंटरफेस आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, जिस वीडियो को भी आपने अपलोड किया है तो वही वाला वीडियो जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, थंबनेल लगाने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्त यहाँ पे देखिए पेंसिल का ऑप्शन है, तो आप इसी पेंसिल पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपको पेंसिल वाला ऑप्शन फिर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्त यहाँ पे आप
क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल में जितना भी फोटो होगा, थंबनेल होगा, वो सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिसको भी आप लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप उसी थंबनेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपके सामने में इस तरह से थंबनेल नज़र आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से जो है डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अगर आपने वहाँ पे टाइटल नहीं लिखा था तो यहाँ से आप टाइटल लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहले से ही टाइटल लिखा हुआ है। अब देखिए मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक, इसलिए कि ये वाला वीडियो जो है मेरा पब्लिक है। तो आपने अभी अनलिस्टेड करके अपलोड किया था, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका इस पर क्लिक होगा अनलिस्टेड पे, तो सिंपली आपको क्या करना है, पब्लिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बैक आ जाना है, ठीक है। अब दोस्त आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे थंबनेल भी लगा लिया है और आपने टाइटल भी यहाँ पे लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको सब कुछ करने के बाद में क्या करना है कि यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो में थंबनेल भी सेट हो जाएगा और जो आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है ये सब भी सेट हो जाएगा और आपका वीडियो जो है सबके पास में पहुँच जाएगा। तो दोस्त अब जो है आपको पता चल गया होगा कि YouTube पर थंबनेल क्या होता है और अपनी वीडियो में थंबनेल को सेट कैसे करते हैं। तो दोस्त अगर आपको पता चल गया है तो आप प्यारी सी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्त बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।